आप देख रहे हैं अपना समाचार। मैं बहुत छोटा था तब एक गाना गाया था, और तो चुनाव फिर आ गई नेताजी, बन के बहु रुपया दिखा गई नेताजी। श्रीमती बहन शिखा राय जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, हमारे युवा मोर्चा के सभी नेतागण, यहां उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ से सादर प्रणाम है। आप सभी का चरण स्पर्श करता हूं। आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए तो दिखाई देगा, पीछे चलिए थोड़ा और, हाँ इधर से भी आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। मैं आज यहां पे आप लोगों के बीच आया हूं आप सबसे निवेदन करने के लिए, आप लोगों से करने के लिए कि आप लोगों ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाया आप लोगों ने, वैसे ही आपको विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलानी है, और दिल्ली में आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसके लिए आप 8 तारीख को जब बूथ पे जाएंगे तो ये अपने दिल में भावना लेके जाइएगा कि जो पहले आपने गलती किया था वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। पिछली बार आपने दिल्ली में जो सरकार बनाई वो सिर्फ हवा हवाई वादे कर रहे हैं, आपसे कोई वादा आप पूरा कर नहीं पाए। भारत को छोड़िए, मैं पूरी दुनिया में कहता हूं एक ही ऐसा नेता है जो कहता है वो करता है। मुझसे लोग पूछते हैं दिनेश लाल यादव आपको भारतीय जनता पार्टी में आने की क्या जरूरत थी, आप तो कलाकार हो, आपको फिल्म बनानी चाहिए। तो जैसे आज आप लोग खड़े हैं भैया, ऐसे ही एक कार्यक्रम हो रहा था कलकत्ता में, था स्कूल से पढ़ाई करके आ रहा था, देखा ऐसे ही मंच पे बहुत सारे नेता लोग खड़े थे, भाषण चल रहा था, तो मैं भी ऐसे बच्चा जो सामने खड़ा इसकी तरह खड़ा होके सुनने लगा, और मंच पे जो नेताजी थे वो यही कह रहे थे कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और तभी मेरे दिल दिमाग में ये बात बैठ गई कि पूरा जीवन मैं उनके साथ रहूंगा जो हमारे देश की बात करेंगे, जो हमारे देश के हित में सोचेंगे, जो हमारे देश के एकता अखंडता के बारे में सोचेंगे। तो जो लोग मुझसे सवाल करते हैं उनको मैं यही बताता हूं, आज लोग भी जान ली कि मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूं। देश भक्तों के लोग और मैं ये कि आज यहां जितने लोग खड़े हैं ये सभी देशभक्त खड़े हैं। ये लोग अपने देश के विरोध में जाने वाले लोग नहीं हैं, ये अपने देश के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं ये चीज है कि देशभक्तों के लोह में क्रांति की रवानी है, देशभक्तों के लोह में क्रांति की रवानी है, मोदी जी के साथ
हुआ हिंदुस्तानी है। जितना प्यार आप लोग निरहुआ हिंदुस्तानी से करते हैं, उतना ही प्यार मैं अपने करता हूं, आप सबसे करता हूं। और आप सबके भलाई के लिए हमें किसी और के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने बारे में ही सोच लीजिए, आप अपना ही भला सोच लीजिए, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप सबका भला इसी में है। आप सबकी भलाई तभी हो पाएगी जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, तो आप जब आप लोगों को भोजपुरी समझ में आती है के आपने हाथ उठा के बताओ। अच्छा, सबको आती है। अरे वाह, समझीला जवाब कलम हुआ कहा हो बार भाई बा। अरे तो जब गांव घर का हुआ लोग तो अलग से यह कहा था कि जहां रहा लोग वहां चपले रहा लो, और जहां रहा वहां अपन सरकार बनावा लो। और जब अपन सरकार रही तो जनता हुआ कि हम भोजपुरिया आदमी आई जा, और भोजपुरिया आदमी का एक खास पहचान हमें कि भोजपुरिया जवान ना ही सहेला बाई बतिया के बाई बतिया के गवे गवे हल्ला निरहुआर कुशा वाला चली जब रेडवाप मची जाला शोर हो साथी सनाती सब देखे हमरा ओर हो बेला आसी पे करे न पीस के हूं कि नहीं मेहनत करे में न जाला। भोजपुरिया आदमी का ये सबसे बड़ पहचान है कि मेहनत करे में लाज ना लगे, मेहनत से कमा के रोटी खाए आएला मान के, तो ना ही मेहनत करे में न जाला निरहुआरी कुशा वाला। आज निरहुआ रिक्शा वाला यहां आप सब से यह विनती करे खातिर आई ले भैया कि आप सब लोग के बात बहुत गंभीरता से सोचे के पड़ी। एक तरफ केजरीवाल जी है, राहुल गांधी है, मायावती जी है, अखिलेश यादव है, जो लोग उनका समर्थन करते हैं, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। हमारे भारत माता का सपूत श्री नरेंद्र मोदी है, जिनको आप सबने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, ताकत दिया। आपके वोट में वो ताकत है, जो ताकत आपने जो प्रचंड मेहनत से और हमारे देश के किसी ने आंख उठा के देखा, किसी ने हमारे जवानों पर हमला करने की कोशिश की और हमारे दिल में दर्द हुआ। मैं अभी आया तो आप वही गाना सुन रहे थे, आप लोग जो बज रहा था, और मैंने पुलवामा हमले के दूसरे दिन ही ये गाना गाया था कि अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा द मोदी जी, सिखा द मोदी जी सबक सिखा मोदी जी, तिरंगा चल के अब लाहौर में तू लहरा मोदी जी। और आठ दिन नहीं बीता, ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया,
थे, कुचलते थे और जवाब से वादा किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कश्मीर से 370 हट जाएगा। किसी के छाती में इतनी दम ताकत थी नहीं थी? पहले भी बहुत सारी सरकारें आई, किसी में इतना दम नहीं था कि कश्मीर से 370 धारा हटाए और हमारा तिरंगा झंडा आसमानी पे लहराए। तो ये आपके वोट का पावर है भैया, आप लोगों के मत का पावर है। इस पावर को आपको समझना होगा और जब 8 तारीख को जाइएगा तो आप कमल के निशान का वो बटन जब दबाएंगे तो एक ताकत मिलेगी फिर से भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली में जो बदहाली फैली है, चाय पीने का पानी है, बिजली की व्यवस्था है, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर वादा किया है तो मैं फिर दोहराता हूं कि एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वो करती है। और आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार हाथ उठा करके और बहन शिखा राय जी को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सबका उठना चाहिए, सब लोग हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए बहन शिखा राय को और इतनी भारी मतों से इनको विजयी बनाइएगा कि जैसे लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, वैसे ही विधानसभा में भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बने और फिर आप देखिए जो वादा किया है मोदी जी ने, जहां झुकी वही मकान। और ये आपका वादा, आप पार्टी का वादा नहीं है जो वादा करेंगे और भूल जाएंगे, नहीं। मैं बहुत छोटा था तब एक गाना गाया था, और तो चुनाव फिर आ गया नेताजी, बन के बहु रुपया दिखा गया नेताजी, तो हाल है केजरीवाल जी का। जहां जहां देखते हैं दिल्ली में बैनर लगे हो, अच्छे बीते 5 साल और कहा ना कि हमको तो मोदी जी काम ही नहीं करने दिए। ए भाई जब तुम्हें कम न कर दिया तो तुम्हारा अच्छा कैसे बीता, ये तो समझ के बाहर है ना कि जब आपको काम नहीं करने दिया गया, मोदी जी ने काम नहीं करने दिया तो कैसे बीते अच्छे 5 साल आपके, और आगे भी 5 साल तो बीजेपी ही है तो कैसे बीतेगा आगे आपका 5 साल। जहां जहां मैं बैनर देख रहा हूं कि आगे भी अच्छे बीतेंगे, कहां से बीती भैया बताओ, तो हम लोग हम गलती का थी तो हम लोग बताओ। अरे जब तक मोदी जी काम न कर फिर मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री तो कैसे बीती तो हार अच्छा 5 साल, तो कहने का मतलब ये है भैया किसी के भ्रम में मत आइएगा, किसी बहकावे में मत आइएगा। आप लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनना है। 8 तारीख को जब जाइएगा कमल के निशान को दबा करके और अपना आशीर्वाद प्यार बहन शिखा राय जी को दे दीजिएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो वादा निभाएगी। और फिर 5 साल बाद जब यही आऊंगा तो आप लोग मुझसे बताइएगा कि वादा निभाया या नहीं निभाया, भोजपुरी स्टाइल में। 8 तारीख के जब बूथ पर जइया लोग तो सब केहू भोजपुरी स्टाइल में जइया लोग, बढ़िया एकदम मस्त नहा धोआ के कुर्ता पैजामा पहिर के कपार को गमछा बांध लिया लोग, और हमार बहनी लोग चाची लोग दोनों लोग जइया गावत जी जा लो,
कि चलाए सखी वोट देवे, चला हो चाची वोट देवे, अरे चलाए बहिन वोट देवे, कमल निशान पर चलाए बहिन वोट देवे, जाके वो कमल वाला निशान दबा दिया, ठीक है। इतना प्यार आशीर्वाद देला लोग, इतना ध्यान से सुनला, एक खातिर आप सब लोग के हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर से वह निवेदन दोहराओ थे कि भारी मत से बहन शिखा राय जी के आप लोग जिता दिया, ताकि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने और दिल्ली में जो उनके दुख तकलीफ बा दूर हो जाए।